खबर चमोली से, गैस सिलेंडर से लदा ट्रक टायर फटने से पलटा, टला बड़ा हादसा। कर्णप्रयाग ग्वालदम बैजनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गत रात्रि करीब 12 बजे गैस सिलेंडर से लदा ट्रक संख्या UK08CB3991 गैस डिपो के पास पहुंचा, अचानक टायर फटने से सड़क पर घिसटता हुआ पलट गया, जिसमें 342 गैस सिलेंडर भरे हुए थे और यह ट्रक रुड़की से गैस सिलेंडर लेकर नारायण बगड़ गैस डिपो के लिए आ रहा था। यह घटना घटित होगी। ट्रक ड्राइवर मनीष कुमार ने बताया कि वह जब इस स्थान पर पहुंचा तो सामने से एक कार वाहन आ रही थी, जिसके पास देने के समय उनके ट्रक का पिछला और दाहिना टायर अचानक फट गया, जिसमें ट्रक अनियंत्रित हो गया और सड़क पर पलट गया। ट्रक ड्राइवर की सूचना पर नज़दीक ही गैस डिपो के सभी कर्मचारियों को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद नज़दीक ही गैस डिपो के सभी कर्मचारियों ने ट्रक की तरफ दौड़कर राहत व बचाव कार्य जारी रखा। गनीमत रही कि ट्रक पहाड़ी ढलान और पिंडन नदी में नहीं समाया, वरना बड़ी अप्रिय घटना घट सकती थी। फिलहाल ट्रक ड्राइवर भी सकुशल है और गैस एजेंसी वाले गैस सिलेंडर को एकत्रित कर रहे हैं। 11:15 बजे करीब तो हम लोग सब लोग जितने डिलीवरी मैन थे, हम लोग मौके पर यहाँ पहुँचे थे। इसमें 342 का लोड था, सिलेंडर तो ठीक है, अभी गिनती हो रही है और सप्लाई तो जाएगी। ड्राइवर वगैरह ठीक है, अभी अभी हॉस्पिटल ले जाएंगे, लेकिन अभी तो स्वस्थ है, वैसे तो आ जाएगी और ये खाली करके फिर इसको ले जाएंगे अभी ट्रेन पर। कारण क्या रहा हो? कारण ये बता रहा ड्राइवर, बोला कार आई उधर से और उसका टायर फट गए नीचे काटने के चक्कर। और गोदाम से 1 किलोमीटर लगभग पहले मेरा राइट साइड का टायर फटा, सामने से कार आ गई। तो कार जो है वो मेरे बिल्कुल सामने थी, बस उसे बचाने के चक्कर में ही ऐसा हादसा हुआ। चोट वगैरह कुछ नहीं है सर, टायर फटने की वजह से ऐसा हुआ। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।